चलिए हम भरुआ बैंगन बनाते हैं। इसके लिए मैंने बैंगन ले लिया है और इस तरह से कट किया है बीच में से, और इसको हम पानी में रखते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो मूंगफली है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये कोकोनट है, गार्लिक है, चिली है, थोड़ा सा ये धनिए का, ये पूरा अखा वाला धनिया है, और ये हमारी पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेते हैं। और ग्राइंडर में पेस्ट बनाने के बाद में हम आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार ये बनने वाला है। तो ज़रूर आप लास्ट तक देखिए। ये जो कलर वाइज है, आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, ग्रीन वाले भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर और कुछ आपको मिलता है और आपको पसंद है, वैसे भी बैंगन से आप ये करी बना सकते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं पहले, और फिर दिखाती हूँ आपको। चलिए, मैंने ये मसाला ग्राइंड कर दिया है। आपके हिसाब से आप मिर्ची लहसुन ले सकते हैं, और धनिया पत्ती जो है इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। और फिर इसे हम क्या करेंगे, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसे बीच में इस तरह से भर देना है। थोड़ा सा ये गीला है, लेकिन आप, आपका मिक्सर जो है वो छोटा है, तो आप इसमें विदाउट पानी भी बना सकते हैं। बस इस तरह से हमें सभी जो है ये भर देने हैं। बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन टेस्टी बहुत ही होता है। कभी कभार हम ये ग्रीन वाला, ग्रीन करी वाला बैंगन भी बना के खा सकते हैं, है ना? और कुछ अलग ही इसका स्वाद है। एक पतीली ले लेते हैं, इसमें हम तेल डालेंगे, और कोई चीज़ हमें नहीं डालनी है, बस बैंगन इसे रख दीजिए। तो बहुत ही इजी है ये, और ऐसी पतीली लीजिए जो इससे मैंने ली हुई है, क्योंकि ये जो है ना, ये इसी में बस कुक होने वाला है। और जैसे ही ये थोड़ा हो जाए, इस तरह से सौते कर दीजिए, और फिर हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ठीक है,
थोड़ा सा नमक इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि अंदर तो हमने मसाले में डाला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से हम डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे ढक देंगे हम। और फिर हमारा गैस जो है वो स्लो पे रखना है, और फिर जो भी हमारे पास में बचा हुआ है ना उसमें पानी डाल के आप इसे इस तरह से डाल दीजिए। और फिर ढक दीजिए। चलिए 10 से 15 मिनट हो गई है, हमारे बैंगन बहुत ही बढ़िया पक भी गए हैं और रेडी हो गए हैं। बस हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं है ना, पूरे अच्छे से गल गए हैं। ठीक है, तो बस इसे सर्व कर दीजिए। इसे भी ज़्यादा थोड़ा ग्रेवी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये जो हम काठियावाड़ी, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। और चलिए सर्व कर लेती हूँ आपके लिए।